तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में पिवट टेबल, एंड पिवट टेबल में हम बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल की। एक्सटर्नल पिवट टेबल क्या करता है, कैसे करता है, ये चीज़ हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए कि हम पिवट टेबल, एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज करते क्यों हैं, इसकी एक जरूरी है समझना कि आखिर होता क्या है। तो समझिए कि मेरे पास एक डेटा है, नहीं डेटा ये नहीं है, मैं कोई और डेटा ऑर्डर करता हूँ। तो जब आप डेटा में पिवट टेबल लगाते हैं तो एक बार लगाना कोई बात नहीं, लेकिन बार बार डेटा में पिवट टेबल का जो ये होता है अपडेशन होता है वो दिक्कत करती है। जैसे ये पिवट टेबल है, अगर मान लीजिए नॉर्मली हमने इस पे अपना पिवट लगाया और सबरी क्रिएट कर लिया, यहाँ पे सबरी हमने यहाँ से क्रिएट किया, अगर नेम यहाँ पे रख दिया और मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ये रख दिया वैल्यू रख दिया, अगर मैं डेटा में जाऊँ और कोई नया नाम ऐड करूँ, जैसे मान लीजिए मैं नाम ऐड करता हूँ राम सलमान, मेरा डेटा ये डेटा जो है अपडेट नहीं होगा रिफ्रेश करने दौड़ने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब हमने पिवट लगाया था तो हमारा डेटा 106 तक ही था, हमने नया डेटा इसमें ऐड कर दिया और जो नया डेटा ऐड किया है इसके लिए हमने पिवट को इंक्रीज नहीं किया। तो नियम ही कहता है कि जब भी आप नया डेटा इंक्रीज करें तो पिवट टेबल पे जाएं, इसमें पिवट टेबल के एनालाइज पे जाएं और यहां से चेंज डेटा सोर्स पे जाएं और फिर से डेटा को रिसाइज करें। अब यही पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरा डेटा हर दिन जो है, मान लीजिए मेरा से डेली सेल्स रिपोर्ट की सब रिपोर्ट है जो कि हमने पिवट टेबल से बना रखी है और ये रिपोर्ट डेली बेसिस पे जो है हमारा चलता है, ये रिपोर्ट जो है हमारा डेली बेसिस पे चलता है और इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि हर दिन डेटा हमें जब कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद मुझे उसकी डेटा को इंक्रीज करना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब डेटा अपडेट करूँ तो मेरा पिवट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो उस केस में बात करेंगे रिलेशनशिप की, हम यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पिवट टेबल पे आते हैं और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जाएंगे, ब्राउज और यहाँ पे हम अपना लोकेशन पे जाएंगे और अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जो भी मेरा डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। एंड ओके करते हैं और फिर यहाँ पे आपका सीट लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि एक पिवट जो है एक बार में एक ही डेटा को लिंक करता है। यहां से ओके करते हैं एंड यहां ओके करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको रखा रो में और इसको यहाँ रखता हूँ और फिर हम डेटा पे आते हैं। अब डेटा में यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई ऐसा लिखता हूँ, मान लीजिए मैं डालता हूँ नीचे डेटा, हम इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे देखिए आ जाएगा, आपको डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं रहे।
ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कॉलम ऐड करते हैं ना सर, तो कॉलम आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कॉलम आपका नहीं दिखेगा। इसको जस्ट रिफ्रेश कीजिएगा और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कॉलम जो है यहाँ पे P7 तक के देखिए P8 नहीं आया, तो कॉलम इसमें आपको नहीं आया। ठीक है, इसमें आपको कॉलम नहीं दिखेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स समझ में आ गया। दूसरी चीज यह है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स अगर यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका हेडिंग जो है पहले रो में आना चाहिए, क्योंकि वो पहले रो को ही हेडिंग देखता है और फिर इसका यूज करता है, इसलिए आपका हेडिंग जो है पहले रो में होना चाहिए। दूसरा, आपके रो में भी ब्लैंक डेटा नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सब को देखते हुए ही आप इसका यूज कीजिएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज तो आपने किया, लेकिन क्या होता है कि ऑफिस वगैरह में जब हम यूज करते हैं तो इसका यूज तो करते ही है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास भी एक डंप फाइल होती है, एक बहुत बड़ी फाइल होती है जिसको हम लोग डंप फाइल कहते हैं। ठीक है, अब जब भी वो फाइल ओपन होती है तो काफी ज्यादा टाइम लेती है, काफी ज्यादा टाइम लेती है जब भी ओपन होती है, और उस पर जब भी हम कुछ करते हैं तो और जब करते हैं तो क्या करता है, बहुत ज्यादा हैंग होती है, यहाँ पे कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाता है। तो हम चाहते हैं कि मेरा फाइल जब भी ओपन हो तो टाइम कम ले, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि उस फाइल को ओपन करूँ ही ना, क्योंकि जनरली इसमें हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि फाइल को बिना खोले मेरा पिवट लग जाए, फाइल को बिना खोले ही मेरा पिवट लग जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, फाइल को खोलने के पहले ही हम पिवट कैसे लगाएंगे? इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज करेंगे, कि एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज हम करेंगे तो उसमें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे हम इसको उस फाइल को बिना ओपन किए पिवट लगाएंगे, हमारा यहां पे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल ओपन करेंगे, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ब्राउज फॉर मोर, और यहां पे हम अपने लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन में हमने फाइल रखा हुआ है, और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन करेंगे। अब यहां पे सीट को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके एंड ओके कर देंगे, यहां पे मेरा पिवट लग गया। और एक पिवट जो है, एक पिवट बाकी पिवट से फास्ट काम करेगा। बाकी पिवट टेबल से जो है फास्ट काम करेगा। क्या बोल रहे हैं, फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है सर, फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है।
वो फाइल बिना ओपन की होगी, बैकएंड में पिवट टेबल खुद ब खुद ओपन कर लेगा फाइल को। रिफ्रेश कीजिए, कॉलम नहीं आ रहा सर। ठीक है, कॉलम नहीं आएगी सर, सिर्फ डेटा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें बात आती है कि अगर आपका पिवट टेबल, आपका डेटा अगर इसमें नहीं पड़ा हो, आपका डेटा पड़ा हो किसी और सिस्टम में, किसी और एप्लीकेशन, जैसे कि मेरा डेटा पड़ा हुआ है एक्सिस में, तो एक्सिस में भी आप जो है एज ए पिवट टेबल लगा सकते हैं, एक्सिस में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एज ए पिवट टेबल। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया एंड ओपन किया। अब इसमें सीट नहीं है, तो एक ही डेटा टेबल है, इसलिए क्यूरी और बाकी चीज नहीं है, इसलिए नहीं पूछा। अगर होता तो पूछता और फिर इसको ओके कीजिए। ठीक है, और देखिए आपका एमएस एक्सेस से आ गया। लेकिन अगर आपका डेटा नोट पैड में है, तो नोट पैड डेटा को एज ए पिवट टेबल इंपोर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको डेटा क्यूरी इस्तेमाल करना होगा। डेटा में जाएंगे, यहां पे फ्रॉम फाइल और यहां पे फ्रॉम नोट पैड एंड सीवीएस। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो आपका फाइल है नोट पैड की, उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको इंपोर्ट कीजिए। अब लोग सर इंपोर्ट करके तो फिर एक आपको एक्सेल सीट पे रखना पड़ेगा क्या? नहीं, जो नहीं है कि एक्सेल सीट पे ही रखे हैं, बिना एक्सेल सीट पे रखे हुए भी पिवट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लोड देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोले सर? ओरिजिनल आपका जैसे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है वैसा फाइल है। नहीं, टेबल होता है वो, जिसमें क्योंकि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन क्या होता है, कॉमा का होता है, नहीं तो टैब का होता है। टैब का सेपरेशन है, टैब लिमिटेड है। ठीक है, तो जब जैसे हम यहाँ पे फाइल को लोड किए, तो यहाँ पे दिख रहा है डिलिमिटेड भी कैसे करना है, तो हमने टैब डिफॉल्ट इसने टैब आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा तो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मुझे ऐसा नहीं करना, अगर मैं लोड करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि फिर मुझे डेटा को सीट एक्सेल सीट पर नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये आपका केवी एडिट हो जाता है। तो यहाँ पे लोड एंड क्लोज का ऑप्शन आएगा, लोड एंड क्लोज का ऑप्शन दबाता है
लोड एंड क्लोज टू पे क्लिक कीजिए, ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या टेबल फॉर्म में चाहिए, पिवट टेबल में चाहिए। तो मैं यहाँ बोला मुझे पिवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए और मेरा पिवट टेबल क्रिएट हो गया ना सर। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली करता तो नहीं होता, क्योंकि ये आपका जो एक्सटर्नल पिवट टेबल है और टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमने डेटा क्वेरी का इस्तेमाल किया है। डेटा क्वेरी आपको टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये यहां से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पिवट टेबल डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। यहां ब्राउज़ टू बी पे जाएं तो यहां पे आपको न्यू सोर्स दिखेगा। अभी यहां पे आप एसक्यूएल सर्वर करना चाहते हैं या इंडेक्सिंग सर्वर करना चाहते हैं, ये चीज आपके सिस्टम में चीज होना चाहिए। अगर सिस्टम में चीज नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सिस्टम में है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे करेंगे नेक्स्ट कीजिए। यहां पे आपको पूछेगा एसक्यूएल सर्वर नेम, अपना सर्वर नेम डालें, जो भी आपका सर्वर नेम है वो डालिए। और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड और इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे ओरिकल है आपका, यहाँ पे ओरिकल का भी काम कर सकते हैं। तो लेकिन आप जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा। तो एक ही हमारी एक्सटर्नल पिवट टेबल, अब यहाँ पे सर खत्म होती है 2007। अभी तक जो ऑप्शन हम बता रहे थे वो आपको 2007 में भी वर्क करता था। ठीक है, 2007 पे भी ये आपका वर्क करता था। लेकिन अब जो अगली क्लासेस में जो वीडियो हम बताएंगे, सॉरी अगली क्लासेस में जो हम आपको चीजें बताएंगे वो आपका 2000